वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देख रहे हैं, यहाँ हम एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं, अध शर्मा द केरला स्टोरी कंट्रोवर्सी। तो देखते हैं, ये मेरे ख्याल से ये वो वीडियो है जहाँ पे जिन्होंने बनाई है केरला स्टोरी, शायद वो यहाँ आके उनसे बातचीत हो रही है। अच्छा। शायद आई एम नॉट श्योर, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को लेकर विवाद कितना सही है या फिर हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश है ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की, आइए इसी पर चर्चा के लिए विपुल शाह साहब हमारे साथ प्रोड्यूसर इस फिल्म के आशक के स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत है विपुल जी आपका। हमारे साथ सुदीप्त सेन साहब डायरेक्टर राइटर आए हैं और अदा शर्मा जो खास भूमिका इस फिल्म में निभा रही है और जो मेरे पीछे आप पोस्टर भी देख रहे हैं उसमें जो चेहरा सबसे सामने आपको दिख रहा है मुख्य किरदार वो निभा रही है। अदा, मेरा पहला सवाल आप ही से है, आप किसी विक्टिम से खुद मिली, आज आपकी फिल्म पर सच्चाई का सबूत मांगा जा रहा है, क्या सबूत है आपके पास, क्या रिसर्च आपने की, क्या आप किसी विक्टिम से मिली जिससे ये साबित हो कि आप सच्ची कहानी बता रही? जी मैं विक्टिम से भी मिली हूँ एंड सुदीप्तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया है ये सब्जेक्ट पे, सो ही हैज पुट ऑल हिज प्रूफ फॉर अस ये शूट स्टार्ट होने से पहले एंड आई फील वेरी सैड कि लोग प्रूफ मांग रहे हैं लड़कियों की लाइफ के बारे में, जो वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, उनका पेन, जो लोग फोर्सफुली मैनिपुलेटेड कन्वर्जन से गई है सीरिया, जो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए या सेक्स स्लेव बनने के लिए, एंड उनकी कहानी आई एम श्योर जब आप पूरी फिल्म देखेंगे आपको भी दिखेगा व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू। और यहाँ हम लोग लाइक एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि इतने सारे मैं सोचती हूँ कि अगर आप ये शालिनी की कहानी भी देखें और उसकी फ्रेंड्स की कहानी भी देखें तो आपको वो पेन महसूस होगा। सो सबूत दो, अगर जो सबूत मांग रहे हैं उन 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 ने कन्वर्जन का बोला था ना कि सेंडिंग का। 3 साल पहले जब सुदीप्तो दादा ने मुझे ये कहानी सुनाई 3 साल तो इट वाज अ वेरी इंस्टिंक्टिव डिसीजन कि ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगा। लोगों ने बहुत मना भी किया, लोगों ने कहा मत बनाओ, तुम्हारी पहचान कमर्शियल फिल्मों से ज्यादा है, बट इट डिडंट मैटर। मुझे इस फिल्म में कमर्शियल फिल्म या नॉन कमर्शियल फिल्म वाली बात ही नहीं थी। मैं जब पहली बार ये कहानी सुन रहा था तो मैं रो पड़ा था। तो मुझे ये लगा था कि इतनी जो इन लड़कियों के साथ जो इतना बुरा हो रहा है, अगर इस बात की नॉलेज हम तक नहीं है तो किसी को भी नहीं होगी। और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे हम रिसर्च करते गए हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ केरला का नहीं है, पूरे भारत का है। पर क्योंकि ये स्टोरी जो है वो केरला की 3 लड़कियों के आसपास है इसलिए केरला स्टोरी। तो मुझे ये लगा कि ये विषय, इन लड़कियों का दर्द, ये हमारे समाज को देखना चाहिए। पर विपुल जी क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि कहा जाएगा कर्नाटक में चुनाव है इसीलिए आपने ये फिल्म बनाई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे? सुदीप्तो किसी ने कमेंट में भी लिखा हुआ था फिल्म मेकर्स ने इसीलिए कर्नाटक इलेक्शन की वजह से इलेक्शन है इसलिए बीजेपी ने एक खास मूवी बनवाई ऑन द बिहाफ ऑफ आरएसएस। मुझे हंसी इसलिए आती है ये कमेंट में भी आया था हमारे कहीं। सुदीप्तो दादा ने इस सब्जेक्ट 7 साल से काम करना शुरू किया, मैंने 3 साल से 3 साल पहले मुझे पता था कि इस दिन कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं और इसीलिए मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए। इससे ज्यादा इलॉजिकल कॉन्वर्सेशन दिमाग से पैदल लोगों के बारे में सोच कर सकते हैं क्योंकि आपके कंधों पर है इस फिल्म को हकीकत के करीब साबित करने की जिम्मेदारी। जी हां, मुझे आपकी रिसर्च में आप कैसे ये जान पाए कि इतनी लड़कियों के साथ ये केरल में हो रहा है और क्या ऐसे क्या बड़ी बातें आप बताएंगे जिससे हमारी ऑडियंस कन्विंस हो? आप छोड़िए उन लोगों को जो सिर्फ अपनी अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए शायद टारगेट कर रहे हैं, पर ऑडियंस को तो कन्विंस करना पड़ेगा। ऑडियंस को कैसे कन्विंस? मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी सेंसिबल इंसान, पर्टिकुलरली वो अगर फिल्म मेकर हो तो फिल्म बनाने की इच्छा उसी वक्त जाहिर हो जाता है। एक लड़की की कहानी थी हदिया करके, उस लड़की ने 19 साल की बच्ची थी, वो एक ट्रैप में फंस गई थी और उसकी कन्वर्शन हो जाता है, शादी हो जाता है, 15 दिन के अंदर उसको पता चल जाता है, ये मैं 2014 की कहानी बता रहा हूँ, 15 दिन के अंदर उसको पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ा एक ट्रैप में फंस गई और उसमें वहां से बाहर निकलना है कुछ लोगों की मदद से, वो ये मैं त्रिवेंद्रम शहर की बात कर रहा हूँ, वो बाहर आ जाती है और उसका रिकन्वर्शन होता है, मतलब वो वापस हिंदुइज्म ले लेती है।
एट उस समय पे प्रेस, सरकारी सिस्टम, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी उसके क्यों? सच्चाई जानने के लिए. अच्छा. तो वो लड़की एक शाम को उसके माँ बाप को कन्विंस करके, वो कसारगोड के एक गांव से थी, वहां पे वो सोचती है कि अगर त्रिवेंद्रम से दूर चले जाएंगे तो ये लोग पीछे नहीं करेंगे. वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक बुरे हाल पे थी. वो जब सुबह पहुंचती है वहां पे, जाके देखती है उसके गांव में उसके घर को जला दिया गया. तो आपको उस लड़की की ये जो इंसिडेंस था, ये पहला इंसिडेंस है जो मुझे ये महसूस कराए कि देयर इज समथिंग मेजर, समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू द सोसाइटी. उसके बाद वहां से मैंने जानी शुरू की. उसके बाद मैंने एक दो करते करते करीबन 500-550 केसेस को स्टडी किया. आपने स्टडी किया है 550? मैं पर्सनली स्टडी किया. मेरी कैमरा पेपर प्रूफ है उनका. ये अंजना जी पेपर पे नहीं, वीडियो फुटेज है मेरे पास. वीडियो फुटेज है आपके पास? कम से कम 300 घंटे की वीडियो फुटेज है जो ये सारे लड़कियों से बात करती हूँ. मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ. एक ये 2016 की बात है. मैंने 4-5 लड़कियों से मिले जो एकदम ब्रिंक पे जाके वापस आई है, जिनमें से श्रुति करके एक लड़की, तो अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो साउथ की सारे चैनलों में अभी दिख रहा है, जो हमारी इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन थी. वो लोग अंजना जी एक छोटा सा घर में का एक रेंट लेके एक घर पे रहते थे. उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया था. वो सब्जी लेके घर में आते थे तो सब्जी का बैग रास्ते में छीन लिया जाता था. दिन डेज आफ्टर डेज वो लोग भूखे सोते थे, खाने को नहीं मिलते थे. वो 6-7 लड़की का गलतियां क्या थी, प्यार किया था बस. और उसके बाद वो लोग जो वापस आए उसकी सजा ये लोग आज भी भोग रहा है. मैं जब इंटरव्यू करने गया था, वो फुटेज है, जब कभी अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा. दरवाजा को इतना सा खोला, क्योंकि दरवाजा खोल नहीं सकते थे, कभी भी उसके ऊपर अटैक होगा. इतना सा खुला हुआ था, वो जो लाइट आ रहे थे वो लाइट में हम लोगों ने शूट किए. ये चित्रा, श्रुति, ये सब लड़की तो अभी मतलब न्यूज चैनलों में जा रही है. वो आज मुझे फोन करके बोलती है, आज एक कोर्ट में केस हुई है केरला में और उसमें सुप्रीम कोर्ट में. वो लड़की का पहला क्वेश्चन है, दादा हमें जेल कहाँ जाना है, केरला में जाना है या दिल्ली में जाना है? कितना ताकत है उस लड़की का, आप बोलिए. ऐसे ऐसे लड़कियों की कहानी, उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद अगर उसकी कहानी बोलने के लिए ना कोई धर्म की जरूरत बहाना चाहिए मुझे, ना कोई पॉलिटिक्स की बहाना चाहिए मुझे. मुझे उतना ही एक दिल जो लेके मैं जन्मा था, जो दिल विपुल जी की आंखों में भी आंसू ला दिया था, वो दिल मुझे मजबूर करता है ये फिल्म बनाने के लिए. तो इसमें अगर किसी को प्रोपेगेंडा लगे, किसी को झूठ लगे, किसी को एजेंडा लगे, मैं सिर्फ उनको सॉरी बोल सकता हूँ. फिफ्थ मे को ये फिल्म आ रहा है, जाके देख लीजिए. अगर इसमें कोई प्रोपेगेंडा, इसमें कोई वो लगे, हाँ सच्चाई सबको पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग उस लड़कियों की खाना छीन लेते थे, बिजली काट देते थे, हमारे ऊपर अटैक करते थे, इन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आ रहा है. अब वो कौन लोग है, क्या है, वो हम सोचा कि जैसे आधा आपको अभी बोल रही थी कि हमारे लिए ह्यूमन सफरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ह्यूमन सफरिंग्स की एक ह्यूमैनिटेरियन फिल्म बनाई. हमने वो नहीं देखा. और सरकार को हमारे फिल्म से अगर कोई मैसेज मिले, ये है परपेट्रेटर और ये सब, इन लोगों ने हमें सिखाया कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है. लेकिन जब केरला की नाम आता है तो आतंकवाद बोलते ही कुछ धर्म के लोग खड़े हो जाते हैं कि हमने इनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं. सो ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये जो पॉलिटिकल गेम, ये हमें समझ में नहीं आता है. पिनरई विजयन साहब को और शशि थरूर को कुछ बोलना चाहेंगे आप आज तक के जरिए? इसलिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट है. क्योंकि जहाँ मुझे लेके जाते हैं फिल्म में, एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे औरतों को फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच भी नहीं है. तो हम दोनों ऐसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को अलाउड ही नहीं है. सेलफोन रखना मना है वहाँ पे. तो आई एम वेरी हैप्पी वी लिव हियर. इट्स अ वेरी गुड थिंग. सबको होना चाहिए फ्रीडम. उनको इनवाइट करेंगे फिल्म देखने के लिए? आई वुड लव इफ दे कैन टेक आउट. वी हैव ऑलरेडी मेड दैट अपील. वी हैव ऑलरेडी मेड दैट अपील के प्लीज फिल्म देखिए. आपका व्हाई डू यू वांट टू मेक एन अपील? यू मेड अ गुड फिल्म, यू शुड बी प्राउड एंड यू स्टैंड टू इट. ये पहले ये बोल रिलीज होने से पहले की बात. हां तो दुखी कर रहे हैं. नहीं कह रहे, बड़ी सारी जगहों पे बैन कर दी है मूवी. वेस्ट बंगाल में दे आर नॉट शोइंग इट. ये सारे ट्वीट्स हमने तब भी, तमिलनाडु में भी दे आर नॉट शोइंग इट. ठीक है, उनका लॉस है. रीजन थे कि अगर
शशि थरूर साहब कह रहे हैं, तो ये बात तो हमें और जोर से और वजन से कहनी चाहिए। अब वो क्यों पलट रहे हैं ऐसे, क्या लगता है? ये मेरी समझ के बाहर है, हम पॉलिटिशियन नहीं है, और पॉलिटिक्स में कौन क्यों क्या करता है ये आप हमको समझाएं, वोट के लिए हमारी समझ के बाहर है, हम फिल्म वाले लोग हैं। दो दो लाइन में अब आप तीनों से एक, व्हाट इज दैट पार्ट, वो कौन सा हिस्सा था या कौन सी स्टोरी थी या कौन सी किसी प्रोटैगनिस्ट की लाइन थी जिसने आपको इतना मूव कर दिया कि आपने खुद कहा कि आपके आंख में आंसू आ गए थे? कौन सी लाइन थी, कौन सा हिस्सा था जब वो स्क्रिप्ट लेके आए? वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे आपको आपका दिल कांप जाता है कि ऐसा कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। बट इन पर्टिकुलर जब मुझे दादा जब सुना रहे थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत एक लड़की को कैसे डराया जाए, तो वो जब मार्केट या किसी वो जब कपड़े फाड़ती है वो मैं तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस पर अटैक करके मोलेस्ट किया जाता है। यही मेरे को भी उसमें जो सीन हमारी फिल्म में भी है, ट्रेलर में वही देखा, और वो मोलेस्टेशन के बाद एक लड़की जो कि उसकी दोस्त है वो उसके कान में बुर्का पहनो तो उसको बैठ के गले लगा के बोलती है कि देख अगर तूने हिजाब पहना वही तो तेरे साथ ऐसा नहीं, वही तो मैं तो हिजाब पहनी हुई किसी भी लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप या नहीं होता। मैं ये सुन के काम किया। अगर ऐसी कोई एक लाइन या दो लाइन? हाँ बहुत है, बट सिंस सब लोग अभी प्रूफ 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 मांग रहे हैं, नाउ आई नो कि एक सीन है फिल्म में जहाँ पे एक कैरेक्टर वो बोलती है कि मुझे 15 लोगों ने रेप किया है, रोज 15 लड़कों के बाद मुझे काउंट, आई लॉस्ट काउंट ऑफ कितने और थे, एंड देन उससे प्रूफ मांगा जाता है, दैट प्रूव इट, प्रूफ कैसे, हाउ डू आई बिलीव यू कि तुम्हारा रेप हुआ था, कैसे मुझे कैसे पता कि 15 लोग ने रेप किया था, कैसे प्रूफ करो। तो नाउ आई नो कि प्रूफ प्रूफ हमें ये नंबर का प्रूफ पूछ रहे, पर वो लड़की को कैसे फील हुआ होगा, वो दैट सीन आई फील नाउ जब भी हम लोग प्रमोशन के मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर है गीतांजलि जो सुसाइड कर चुकी थी ब्लैकमेल के तहत, जब वो सीरिया जाने के लिए मना कर दिया था, जब उसकी माँ से मिले थे, मैम आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, आई एम रियली गेटिंग इमोशनल, उसकी माँ बोलती है किसी ने हमें मदद नहीं की, किसी ने नहीं आया, कोई पॉलिटिशियन नहीं आया मदद करने के लिए, खटिया लोग। लेकिन अगर आप फिल्म बनाएंगे ना, उस फिल्म में मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको फोटो दिखा दीजिएगा, बस यही था मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट, सॉरी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना तो साफ है कि भावुक तरीके से, भावनात्मक तरीके से आप लोगों का जुड़ाव है इन कहानियों से, और तीनों की यही गुजारिश है कि फिल्म देखिए फिर फैसला कीजिए। बहुत धन्यवाद। लास्ट पार्ट वॉज इमोशनल, वो खुद ही रोने लग गए थे। इससे पता चल रहा है कि वो जब लड़कियों से बात की है उनकी भी जो है ना आत्मा कांपने लग गई होगी। जिस लड़की ने आत्महत्या की थी उसकी माँ ने, उसकी पेरेंट्स ने कहा था कि हमारी बेटी की फोटो जरूर दिखा देना है। नहीं बेटी की नहीं, जिसने उसको मारा है, जिसने वो किया उसकी फोटो दुनिया को दिखा देना। मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लगा अपनी बेटी की बताना, हो सकता है जब मूवी खत्म होती है तो दिखाओ कि मुझे तो लगा कि जिसने मारा है वो उसकी दिखा देना ताकि पता चले। बट मुझे लग रहा है मूवी के बाद जो वो एक्चुअल इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला जिसने मारा है। मैं तो ये सोचा है, मैंने तो ये सुना है कि जिसने मारा था उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया और उनको इंसाफ नहीं मिला, किसी ने हेल्प नहीं की। वो कह रहे हैं कि बस मेरी बेटी की जो स्टोरी है और उसके बाद कल्प्रिट को जरूर दिखा देना उसकी फोटो। मुझे तो यही लगा, देखी नहीं मूवी, मैं तो तभी मैं तो उसको देख के बोला कि इंसाफ ही नहीं मिला है। और ये जो आप बोल रहे हैं ना अगेंस्ट दिस मूवी, उनको कोई शर्म ही नहीं है, वो अपने गेन के लिए बोल रहे हैं। जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना वो इस मूवी के साथ सपोर्ट करेगा। जैसे वो बता रहे हैं कितने केस, वो कह रहे हैं मेरे पास वीडियो फुटेज है, वीडियोस है, सबको रखा था, सब कुछ उन्होंने इतना किया है। एंड उन्होंने देखो किसी ने भी इन टॉपिक्स पे कभी भी मूवी नहीं बनाई, इन्होंने इसलिए बनाई कि उनको ये दिखा कि ये गलत काम हो रहा है सोसाइटी में, इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए, किसी को इनके बारे में इनकी कहानी सुनानी चाहिए दुनिया को। वो यही कह रहे थे ना, किसी को पता नहीं इसके बारे नहीं में, नहीं पता था हमें, किसी को पता नहीं था। और इतना एक्सट्रीम ये मूवी देख के पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ केरला नहीं पूरी कंट्री में हो रहा है। हाँ पूरी कंट्री में, उनके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा था ये जो हो रहा है खाली केरला स्टोरी मत सोचो, ये केरला स्टोरी मत सोचो, ये पूरी कंट्री में हो रहा है और इस पे एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जो पहले जब यूपी में इस चीज की बात हुई थी योगी जी ने, योगी जी भी तो कहते थे लव जिहाद, योगी जी के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि ये दिख रहा है ये कंट्री में एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है। क्या बोलोगे योगी जी को, क्या बोलोगे आप लोग यार, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग है। पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको पता था उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, सब होगा, पर उसके बावजूद उन्होंने मूवी बनाई है एंड एज क्लोज टू ट्रुथ बनाई है इन्होंने। तो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।